आज की इस वीडियो के अंदर गाइस आपको दिखाएंगे 2.7 लाख रुपीस का यानी 2,70,000 रुपए का गेमिंग पीसी बिल्ड। सभी कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मॉडेक्स कंप्यूटर्स। मेरा नाम है सार्थक। इस पीसी बिल्ड को ऑर्डर करा है हमारे केशव भाई ने, जो कि रहने वाले हैं राजस्थान के। तो राजस्थान में हम लोग जो इस पीसी को भेजने वाले हैं, एंड कमाल बात इस पीसी बिल्ड के बारे में है कि ये जो पीसी बिल्ड है ये हम लोगों ने बनाया है इंटेल के लेटेस्ट 14th जनरेशन के साथ में, यानी कि 14900K प्रोसेसर के साथ में। तो काफ़ी कमाल सीपीयू यहाँ पर इंटेल की तरफ से 14 जनरेशन, वैसे मतलब कमाल तो है बट एज कम्पेयर टू 13 जनरेशन उतना ज़्यादा कुछ आपको परफॉर्मेंस में अपलिफ्ट नहीं मिलेगा, वही 2-3% का सिर्फ है। कोर थ्रेड काउंट हमें i9 14900K में देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ जो i7 13700K और 14700K बस उसी में मिला था डिफरेंस। बट हाँ, ये है कि इसमें बस 2-3% का ही डिफरेंस है, और प्राइजिंग भी जो है समवॉट नियर ही है हमारे 13900K के। बस खाली उससे मतलब कुछ 1-2 हज़ार रुपये का ही फ़र्क है 14th और 13th जनरेशन के बीच में। बस ये है कि जो आपका धीरे धीरे करके अभी क्योंकि ये नए नए आया ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट हाँ, ये है कि ये भी वापस से 13 जनरेशन की प्राइस पे आ जाएंगे, मतलब 2-3 हज़ार रुपये जो अभी ऊपर लॉन्च हुए नीचे आ जाएंगे, एंड 13 जनरेशन की प्राइस थोड़ी नीचे हो जाएगी, तो ऐसे हो जाएगा आगे चल के। ठीक है, बाकी केशव भाई का पीसी वर्ल्ड आपको बता दिया। आपको भी ऐसी कमाल का पीसी वर्ल्ड करवाना हो, ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिलीवर करते हैं, तो स्क्रीन पर आपको मेरे नंबर्स देखने को मिल जाएंगे 7011805001 और 9403890290। कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो और हमारी सेल्स टीम से बात कर सकते हो, आपको अच्छी तरीके से गाइड कर देगी आपके बजट एंड आपके रिक्वायरमेंट्स के सबसे कौन सा पीसी वर्ल्ड आपको करना चाहिए। इसके अलावा आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो कि modexcomputers.com, वहां पर आपको कस्टम पीसी का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग वहां पर कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करके डायरेक्टली वहां से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो वेबसाइट का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी आप कहते हो कि सार्थक भाई मैं तो आपको स्टोर को विजिट करके पीसी बिल्ड कराना चाहता हूं, तो भाई बिल्कुल मोस्ट वेलकम। 205 सेकंड फ्लोर राजा हाउस बिल्डिंग हमारा एड्रेस है। हमारे ऑफलाइन स्टोर को भी विजिट करके आप पीसी बिल्ड करा सकते हैं। सो हमारे ऑफलाइन स्टोर का गूगल लोकेशन लिंक, एड्रेस, सारी चीजें वो भी आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। मैंने आपको बता ही दिया वीडियो के स्टार्टिंग में 14900K प्रोसेसर का हम लोगों ने यहां पर यूज करा है। 24 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स के साथ में आने वाला काफी बढ़िया सीपीयू यहां पर हो जाता है। परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी मिल जाती है, और साथ ही साथ में अच्छा इसकी प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जैसे कि नया नया लॉन्च हुआ है तो थोड़े से भाई ऊपर वाली प्राइस पर ही ये लॉन्च होते हैं, तो 58,000 रुपीस का 58,000 रुपए का ये प्रोसेसर जो है कस्टमर को गया। बाकी थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके देखना, ये 55,000 पे भी आराम से आएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ महीने लगेंगे, बट आ जाएगी प्राइस इसके नीचे। ठीक है, और बाकी बात करें इसके साथ में मदरबोर्ड जो हम लोगों ने यहाँ पर पेयर करा है, ये आ जाता है MSI की तरफ से, उनका मैग Z790 टॉमहॉक वाईफाई DDR5 मदरबोर्ड। बहुत सारी वीडियोस में आपको दिखाया है, बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड MSI जैसे एक प्रीमियम ब्रांड की तरफ से यहाँ पर आ जाता है। DDR5 RAM को यहाँ पर ये सपोर्ट करते हैं, वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों की फंक्शनलिटी आपको देखने को मिल जाती है। अब बढ़ते गए एंड बात करते हैं यहाँ पर हमारी रैम के बारे में। सो रैम हम लोगों ने यहाँ पर जो है टोटल यूज करी है 64GB रैम की किट हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी है। Zscaler की तरफ से इनकी ट्राइडेंट Z5 RGB जो कि DDR5 RAM है, 32GB की दो स्टिक्स यानी टोटल हो गए 64GB जो कि 6000 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है, तो काफी बढ़िया रैम स्टिक्स हम लोगों ने यहां पर यूज करी है। Zscaler की तरफ से काफी परफेक्ट रहेगी इस पीसी बिल्ड के हिसाब से, कोई भी वर्कलोड रहेगा आराम से हैंडल कर लेगा। अब बात करते हैं गाइस यहां पर हमारे लिक्विड कूलर के बारे में। सो 14900K प्रोसेसर के साथ में जो हम लोगों ने यहां पर लिक्विड कूलर यूज करा है, ये आ जाता है डीपकूल की तरफ से, उनका LS720SE ब्लैक वाला वर्जन हम लोगों ने यहां पर यूज करा है। अगर बहुत ज्यादा प्रीमियम आपको स्पेंड नहीं करना है लिक्विड कूलर के ऊपर, एंड 14900K के हिसाब से आप एक बढ़िया सा लिक्विड कूलर यहां पर ढूंढ रहे हो, तो LS720 हो गया, LS720SE हो गया, तो आप इस वाले वर्जन के जो लिक्विड कूलर डीपकूल की तरफ से आप इनको चेकआउट कर सकते हो। लुक्स भी काफी बढ़िया मिलते हैं, साथ ही साथ में भाई परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया रहती है। हमारे 14900K प्रोसेसर को अच्छी तरीके से यहां पर हैंडल कर लेगा, एंड इसके जो रेडिएटर है उसको हम लोगों ने यहां पर टॉप पर माउंट करा है। अब बात करेंगे यहां पर हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। सो ग्राफिक्स कार्ड हम लोगों ने यहां पर यूज करा है Inno3D की तरफ से, उनका RTX 4080 एंड दिस इज iChill X3 ब्लैक वाला वर्जन हम लोगों ने यहां पर यूज करा है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है यार यहां पर हमारा iChill ग्राफिक्स कार्ड Inno3D की तरफ से। भाई RGB आपको फ्रंट में जो यहां पर देखने को मिल जाती है, क्वालिटी वाइज भाई ग्राफिक्स कार्ड बहुत ही ज्यादा शानदार लगता है। फुल साइज आपको बैक प्लेट यहां पर देखने को मिल जाती है, काफी मोटी एंड थिक हीट सिंक के साथ में यहां पर आता है,
और इसके साथ में ना आपको एंटी सैगिंग वाला ब्रैकेट भी देखने को मिलता है, तो बहुत ज्यादा यार बढ़िया लगता है। 4080 ऐसा ग्राफिक्स कार्ड है जो कि भाई परफॉर्मेंस आपको काफी बढ़िया प्रोवाइड करेगा, मतलब कि अगर आपको 4K लेवल पर गेमिंग करनी हो तो भाई ये ग्राफिक्स कार्ड आपको काफी अच्छी तरीके से कराएगा। एंड जैसे कि हम लोगों ने यहां पर इसको लेटेस्ट 4900K के साथ में पेयर अप करा है, सो गेमिंग हो, स्ट्रीमिंग हो, एडिटिंग हो, भाई समझ सकते हो 270,000 रुपए भी खर्च करेगा। एंड ये दोनों मेन कोर कंपोनेंट्स यहां पर लगे हैं, फिर तो भाई कोई भी काम करना होगा मक्खन तरीके से हो जाएगा। स्टोरेज में बात करते गए तो स्टोरेज में हम लोगों ने यहां पर सिर्फ एक SSD का यूज करा है जो कि आ जाती है Corsair की तरफ से उनकी MP600 Pro NH2TB वाली M.2 NVMe Gen 4 SSD का हम लोगों ने यहां पर यूज करा है। 2TB की भाई NVMe है जिसके अंदर विंडोज नेसेसरी ड्राइवर सॉफ्टवेयर डालने के बाद भी अच्छी खासी स्टोरेज यहां पर बचेगी। एंड Corsair जैसे अच्छे एंड एक रिलायबल बढ़िया ब्रांड की तरफ से यहां पर ही आती है। अब इस PC बिल्ड के हिसाब से भाई 1000 वॉट जो पावर सप्लाई है वो इनफ रहेगी, तो हम लोगों ने यहां पर यूज करी है डीपकूल की तरफ से उनकी ATX 3.2 कंपैटिबल PX1000G पावर सप्लाई जो कि 80+ गोल्ड सर्टिफिकेशन के साथ में यहां पर आ जाती है। एंड आपको जो इनका जेन 5 12 पिन वाला जो कनेक्टर है वो भी देखने को मिल जाता है, तो वही जो है हम लोगों ने यहां पर यूज करा है अपने ग्राफिक्स कार्ड के साथ में, तो काफी बढ़िया लग रहा है और काफी मिनिमल सा लुक भी यहां पर आ जाता है। 1000 वॉट इनफ रहेगा इस PC बिल्ड के हिसाब से, एंड इंश्योर करेगा कि इन फ्यूचर अगर वो कुछ अपग्रेड भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहां पर अपग्रेड भी कर सकते हैं भाई, 1000 वॉट विल बी मोर देन इनफ। अब फाइनली बात करते हैं गाइस कैबिनेट के बारे में। सो कैबिनेट मैंने आपको कई बार बताया कि भाई अगर 7-8 या फिर 9000 तक अगर आपका बजट जाता है और एक बहुत ही प्यारी सी कैबिनेट अगर आप यहां पर ढूंढ रहे हो भाई अपने पीसी बिल्ड को करने के लिए, सो आप देख सकते हो भाई लियानली की लैनकूल 216 कैबिनेट को। मुझे पर्सनली यार काफी ज्यादा पसंद है ये कैबिनेट, एंड अगर मेरा बजट इसी के आसपास होगा सो मैं आंख बंद करके भाई इसी कैबिनेट को बाय करूंगा। एक तो फ्रंट में आपको दो बड़े बड़े 200mm के ARGB फैंस मिलते हैं जो कि आप यहां पर देख सकते हो, तो ज्यादातर कैबिनेट्स में जैसे कि आपको 3 छोटे छोटे फैन मिल जाते हैं 120mm के, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक आपको ऑफर करती है। फ्रंट में दो बड़े बड़े फैंस मिलते हैं, देखने में काफी अच्छी लगती है और फ्रंट में ना आपको मेश मिल जाती है, सो एयर इनटेक भाई कैबिनेट के अंदर काफी अच्छा रहता है। रियर पर भी आपको एक फैन मिलता है जो कि नॉन RGB अगर आप चेंज करके RGB फैन लगाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपके पास हमेशा रहता ही है, तो 140mm का बड़ा सा एक ब्लैक फैन आपको मिल जाएगा। अगर व्हाइट में इस वर्जन में जाते हैं तो व्हाइट फैन मिलता है उसके साथ में, तो वो एक अच्छी बात है। और बॉटम पर भी आप फैंस को माउंट कर सकते हो, नीचे की साइड भी आपको मेश मिल जाती है, तो एयर फ्लो भाई कैबिनेट के अंदर काफी अच्छा बना रहता है। एंड क्वालिटी वाइज तो भाई लियानली वाइज समझ सकते हो क्वालिटी काफी बढ़िया मिलती है कैबिनेट के साथ में। बस तो गाइस यही था हमारा 270,000 रुपए का PC बिल्ड। आपको कैसा लगा मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। जितने भी कंपोनेंट्स यूज करें इन सब की लिंक्स भी आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट की जाकर के अगर आपको प्राइस चेकआउट करनी है तो आप जाकर के कर सकते हो। बाकी PC वगैरह बाय करने के बारे में आपको बताई दिया, स्क्रीन पर आपको मेरे दोनों नंबर देखने को मिल जाएंगे 7011805001 और 9403890290। ऊपर वाले नंबर पर कॉल व्हाट्सएप दोनों कर सकते हो, नीचे वाले नंबर पर सिर्फ जो कॉलिंग अवेलेबल है। इसके अलावा वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, ऑफलाइन स्टोर को विजिट कर सकते हो, सारी लिंक सारी डिटेल्स वो सब आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलेंगे इसे और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के PC बिल्ड के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।